फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के गांव कार्तिकी में आज एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज रजावली जेपी अशोक मौके पर पहुंच गए। तत्काल ही गांव में गाड़ी की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने गांव से वाहन में बॉडी लाने के लिए मना कर दिया। तभी चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक जेपी अशोक ने अपनी गाड़ी में बॉडी को रखकर जिला अस्पताल के मोर्चरी में खुद ही गाड़ी से बॉडी को उतरवा कर रखवाया। मृतक के पास एक 1.5 वर्ष की बेटी है। मृतका के पिता ने बताया कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा है, जिसे भी ससुरालियों ने मार डाला है। तो ससुराल वालों ने मारपीट करी है एक दिन पहले, उसके बाद आज रात को उसको मार दिया। कहाँ पे शादी हुई थी इसकी? शादी भैया कार्तिकी गाँव है, रजावली चौराहे के पास। तो आपने थाने में तहरीर दी है? थाने में तहरीर दे आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? पहले 5-6 महीना पहले भी मारपीट करते जेठ ने सास ने चिमटा फिमटा से मारी, तो हम पहुँच गए मौके पर। हमने 100 नंबर पर यानी 112 पर कॉल करी, तो उनने अगर समझौता पहुँचा बा करे कि ठाकुर लोगों ने कैसा आप मारपीट नहीं होगी, इस लड़की को घर ही जाने दे, तुम मलवाई जाओ। 34 साल तो हम छोड़े आए। ठीक, सरकारी गाड़ी जनपद में एक आधी होती है, सूचना बहुत सारी मिलती है। तो गांव से भी मैंने कहा था कि आप अपना ट्रैक्टर वगैरह कोई अपना मदद कर सकते हैं इसमें, और लड़की वाले बेचारे गरीब आदमी हैं तो इसलिए वो कहाँ से लाते, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में ही डेड बॉडी को ले आया मोर्चरी। अच्छा, परिवारजन इसके साथ में कोई आए थे आपके? हाँ, परिवारजन गाँव के मैंने बैठा लिए थे अपनी गाड़ी में, एक आदमी गाड़ी में सीट को मतलब डाउन करके गाड़ी में ले आया, क्योंकि काफ़ी समय लग रहा था, कोई साधन मिल नहीं रहा था। मामला क्या है, डेड बॉडी लेके आए हैं? ये इनका मतलब पारिवारिक मामला है, सुसाइड कर लिया है सुमन नाम की महिला ने, वो लोग घर वाले भाग के छोड़ के भाग गए इसको। डेड बॉडी कौन से गांव की है ये? कातकी गांव, कातकी थाना नारकी मार। अच्छा, और तो व्यक्ति और भी पुलिस वाले हैं, सब प्राइवेट वाहनों से लाते हैं, अपनी खुद की से नहीं लाते हैं, आपने ऐसा क्या समझा अपनी गाड़ी से लेके आए? इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ला सकते हैं अपने वाहन से, जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, कोई और व्यवस्था तो है नहीं हमारे पास। मतलब सरकार की कोई व्यवस्था वैसी तो नहीं होती है, मतलब जैसे मतलब एक आध मोर्ची वाहन होता है सब वाहन जनपद में, या फिर कोई प्राइवेट संस्था जो काम कर रही है वो ला सकती है अपने वाहन, तो वो भी नहीं है लाती समय से, तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी से ला सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और सुविधा से आ जाता है उसमें, सीट को यदि आप डाउन कर लेते हैं तो। छोटी गाड़ी है मेरी। ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।